जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और उस वीडियो में हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट कट में हम लोग एनसीएल रिसर्च के नाम से जानते हैं, इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अभी आने वाले कुछ ही समय के अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के टारगेट क्या रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में इसमें इसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होगी या फिर से गिरावट होगा और कितना गिरावट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में यह भी बताऊंगा कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि जो लोग लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं एनसीएल रिसर्च में, उन्हें फिलहाल उतनी चिंता की बात नहीं है। गला में थोड़ा सा खराश आ गया, इसलिए वॉइस आपको हो सकता है क्लियर नहीं आ पा रही हो, लेकिन मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप बस समझते चलिए। देखिए, एनसीएल रिसर्च में आज के दिन देखेंगे तो आज के दिन इसका प्राइस तकरीबन 41 पैसे के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, ये इस तरह से जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है ना, आमतौर पर ये ग्रीन रंग का दिखाई देता है, लेकिन चूंकि ये सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर तकरीबन इसे अपना क्लोजिंग दे दिया है, इसीलिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए, पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में एनसीएल रिसर्च का प्राइस आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि नीचे ही आया। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद और नीचे आया, यानी कह सकते हैं कि इसमें डाउन ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा। और डाउन ट्रेंड सिर्फ पिछले एक सप्ताह से देखने को नहीं मिल रहा, एक सप्ताह में तो तकरीबन 7% के आसपास टूटा ही है, पिछले एक मंथ में भी कुछ नहीं चढ़ा, और पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में तकरीबन 30% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ प्राइस उठा भी, नवंबर 2022 में उठा, फिर इस साल फरवरी में भी प्राइस अच्छा खासा जंप लिया है। तो ये जो जंप लेते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग निकलना चाहते हैं तो निकल भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उन्हें बार बार तकलीफ दे रहा है कि जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगा, उसके बाद प्राइस और नीचे आ जाता है। तो इसी पहलुओं को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एनसीएल रिसर्च कंपनी का जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल कैसे है, और क्वार्टरली रिजल्ट जो लगातार आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट का क्या परिणाम हो रहा है, और आने वाले समय में क्वार्टरली रिजल्ट के बदौलत फंडामेंटल कितना मजबूत होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के टारगेट क्या रह सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है फंडामेंटल से काफ़ी पहले बता देता है कि स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में क्या मोमेंटम होने वाला है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। टेक्निकल का मतलब सिर्फ चार्ट से होता है। अभी मैंने एक साल का चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है, इस कंपनी का एक साल का चार्ट में आप देखेंगे तो आप पाएंगे, यहाँ तक देखेंगे तो कुछ खास गिरावट नहीं था, इसके बाद से इस पॉइंट से देखेंगे तो लगातार प्राइस नीचे आया है, और इसके बाद ये जो अक्टूबर 2022 का एरिया है, ये यहाँ से देखेंगे तो अभी तक ये मार्च 2023 चल रहा है, यहाँ तक देखेंगे तो प्राइस एक आपको कह सकते हैं कि मतलब रेंज बाउंड में घूमते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस इस कंपनी का जो है अभी भी अब डाउन ट्रेंड में ही है, यानी कि प्राइस यदि देखिए ये जो एक प्रकार से सपोर्ट का एरिया है, ये वाला ये एरिया इसके नीचे निकलता है। अब क्योंकि ये स्क्रीन के वेबसाइट पर खोलें तो आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पॉइंट में बताता हूँ। यदि इसका प्राइस मान लीजिए 40 पैसे, अभी तो 40 पैसे से ऊपर है, या 40 पैसे से नीचे आ भी सकता है, मान लीजिए 35 पैसे मान लेते हैं, 35 पैसे के नीचे जाता है तो काफ़ी मतलब चिंता वाली बात हो जाएगी। यदि 5 साल के मैं इसका 5 साल के टर्म में देखेंगे तो 5 साल में देखेंगे कि प्राइस कितना नीचे आया, तो आप पाएंगे कि जैसे देखिए ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इससे तो प्राइस अभी जो है ऊपर ही है, यहाँ की ये जो प्राइस है इस वाले एरिया से अभी ऊपर है, यानी कि उतनी टेंशन की बात नहीं। टेंशन की बात कब होगी, जब ये प्राइस जो है इस लेवल के आसपास आएगा, यानी कि इसलिए मैंने कहा कि आपको 0.35 और 0.30 का लेवल मानकर चलना है कि यदि टारगेट शॉर्ट टर्म में गिरावट होती तो 35 पैसे तक या फिर 30 पैसे तक इस कंपनी का प्राइस आ सकता है। और लंबी अवधि में कहाँ तक जा सकता है, देखिए ये तब डिसाइड होगा जब इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है, ये जो 50 पैसे का लेवल आप देख रहे हैं, ये जो 50 पैसे का लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा और कम से कम 1 रुपये के ऊपर कुछ दिनों तक सस्टेन करेगा, तब इसमें लंबी अवधि में तेजी बनेगी। फिलहाल तो अभी इसके संकेत नीचे जाने के ही मिल रहे हैं, तो नीचे आ सकता है इस लेवल के आसपास। एनसीएल रिसर्च जो कंपनी है, आपको तो पता है कि ये इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी कंपनी है और इन्वेस्टमेंट का काम करती है। फंडामेंटल की यदि बात करें तो फंडामेंटल में देखेंगे कंपनी मार्केट कैप तकरीबन 44 करोड़ के आसपास है, और इसका जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से देखेंगे तो कम है, जबकि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि आरओई और आरओसीई दोनों पॉजिटिव में, ये काफी बढ़िया बात है। क्वार्टरली रिजल्ट को यदि डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि कंपनी के जो क्वार्टर के नतीजे आ रहे हैं, अभी हाल ही में क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, यानी कि Q3 के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है आपको बढ़ते हुए दिखाई, देखिए सितंबर के क्वार्टर में 1.3 करोड़ था, अभी 1.42 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ है। यहाँ पर यदि नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आप पाएंगे कि कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट रहता है 24 लाख आसपास,
रहा था, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 72 लाख के आसपास हो गया, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ा है। कह सकते हैं कि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट तो मजबूत हो रहा है कंपनी का, तो क्वार्टरली रिजल्ट मजबूत हो रहा तो धीरे धीरे फंडामेंटल भी कंपनी का मजबूत होगा। फंडामेंटल मजबूत होगा तो लंबी अवधि में शेयर प्राइस में तेजी बनेगी ही बनेगी, लेकिन बात लंबी अवधि के लिए हो रही है, 4 साल 5 साल आपको समय देना होगा। इतना समय है तब लंबी अवधि के आप इसमें निवेशक बनकर रह सकते, नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है उसी पर खुश रहिए, और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट रहेगा अभी नीचे ही आएगा प्राइस, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है मैंने आपको बता दिया है। एनसीएल रिसर्च के बारे में फिलहाल कोई नया और लेटेस्ट अपडेट नहीं है, जो बातें थी चार्ट पर और जो इस कंपनी के फंडामेंटल मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या सवाल है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एंजल वन या एम स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।